केएमओ बिटकॉइन चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट्स के लिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका केएमओ बिटकॉइन चैनल में। और आज के क्रिप्टो न्यूज़ वीडियो में बिटकॉइन का प्राइस $10,000 से नीचे ट्रेड कर रहा है, बट अभी भी पेंटेरा कैपिटल का टारगेट है $42,000 का। दोस्तों कुकॉइन एक्सचेंज ने लॉन्च किया सॉफ्ट स्टेकिंग प्रोग्राम, कुछ कॉइन्स ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों फाइनली जो इंडिया में क्रिप्टो बैन की रेगुलेशन आई है उसके पीछे क्या सबसे बड़ा हाथ आरबीआई का है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की क्रिप्टो ताज़ा खबर। अब दोस्तों आज की न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले आपको याद होगा कि मैंने प्रोस्पेक्टर्स गेम के बारे में ट्यूटोरियल बनाए हैं जिसमें आप EOS रन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में खेल के। तो दोस्तों अगर आपको ये गेम खेलना है तो आपको उसके लिए चाहिए होगा एक EOS का अकाउंट। अब EOS अकाउंट भी आप फ्री में बना सकते हैं दोस्तों, उसके लिए एक ऐप मैंने यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, मर्मर ऐप है जो अभी फिलहाल फ्री में EOS अकाउंट्स बांट रही है। तो आप यहाँ पे ऐप डाउनलोड करिए, फ्री में EOS का अकाउंट बनाइए और उसके बाद आप उस अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं प्रोस्पेक्टर्स खेलने के लिए। दोस्तों इस गेम को बिल्कुल भी मत मिस करिए, क्योंकि अगर आप इसको ढंग से खेलते हैं तो आराम से आप दिन का 1 से 1.5 US कमा सकते हैं। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी सबसे पहली न्यूज़ से। यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस $10,000 से नीचे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों फिलहाल जो प्राइस चल रहा है बिटकॉइन का वो है $9,700 के आसपास, बट यहाँ पे पेंटेरा कैपिटल का कहना है कि अभी भी उनका जो टारगेट है दिसंबर का $42,000 वो आराम से अचीवेबल है। तो $10,000 का दोस्तों जो सपोर्ट लेवल है बिटकॉइन का वो अब काफ़ी बार ब्रेक हो चुका है। आज ही हम देखेंगे तो 9574 तक बिटकॉइन का प्राइस आके गिरा। ट्रेडर्स हैव रिपीटेडली फेल्ड टू होल्ड द 10,000 लेवल, सजेस्टिंग दैट बियर्स हैव टेकन होल्ड ऑफ द मार्केट नाउ। टेक्निकल एनालिस्ट एक्सपेक्ट बिटकॉइन टू फॉल फर्दर बिफोर बाइंग प्रेशर रिटर्न्स। तो अभी भी इस प्राइस में गिरने की काफी उम्मीद कर रहे हैं ट्रेडर्स, हालांकि शॉर्ट टर्म में प्राइस नीचे गिरने की दोस्तों उम्मीद है। अब एक ट्रेडर हैं जॉश रेजर जिन्होंने कहा है कि बिटकॉइन इज प्रिंटिंग लोअर लोज एंड लोअर हाइज ऑन द डेली चार्ट। इफ द ट्रेंड कंटिन्यूज ही एक्सपेक्ट्स बिटकॉइन टू फॉल टू सपोर्ट लेवल्स अराउंड 8975, तो $9,000 से भी नीचे आने की दोस्तों बिटकॉइन की उम्मीद है। द प्राइस कंटिन्यूज टू ब्रेक डाउन आफ्टर एवरी सो कॉल्ड रैली विच हैज लेड टू लोअर हाइज ईच टाइम। इफ कन्फर्म वॉचिंग द नेक्स्ट वीकली सपोर्ट एट 8975 एज द पोटेंशियल टारगेट। तो इनके हिसाब से अगर ये बिटकॉइन का प्राइस नीचे गिरता चला गया तो $8,975 हो सकता है दोस्तों इनका नेक्स्ट टारगेट। अब दोस्तों इसके बावजूद भी बिटकॉइन के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, और जो अच्छी न्यूज आ रही है वो ये है कि बैक ने फाइनली अपनी यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है। अब दोस्तों अगर ये टेस्टिंग पास हो जाती है तो उसके बाद जो फाइनल स्टेप रहता है वो है सिर्फ लॉन्च। अब पेंटेरा कैपिटल ने दोस्तों टारगेट सेट किया है $42,000 का, विच मींस जो आज का करंट लेवल है उससे 342% राइज की ये लोग उम्मीद कर रहे हैं। और इसके पीछे जो दोस्तों रीजन दिया गया है वो ये है कि बिटकॉइन का लॉगरिथमिक अगर आप चार्ट देखेंगे तो बिटकॉइन लॉगरिथमिकली एंड इट्स ट्रेंड हैज बीन टू ग्रो एट 235% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। That puts BTC at $42,000 at the end of 2019. और ये $42,000 दोस्तों सिर्फ इनका एक शॉर्ट टर्म टारगेट है। अगर आप लॉन्गर टर्म टारगेट्स देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि 2020 एंड तक ये उम्मीद कर रहे हैं $122,000 यानी कि $1,22,000, और 2021 के एंड तक ये उम्मीद कर रहे हैं $3,65,000 बिटकॉइन का प्राइस। अब दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको लगता है कि ये रियलिस्टिक टारगेट्स हैं, क्या वाकई में बिटकॉइन इतना प्राइस अचीव करेगा कि नहीं। जो कुछ भी अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिए। इसके बाद जो दोस्तों दूसरी न्यूज़ है वो है KuCoin एक्सचेंज से। KuCoin ने स्टार्ट कर दी है सॉफ्ट स्टेकिंग अपने प्लेटफॉर्म पे। मतलब दोस्तों ये है कि जो ये कॉइन सपोर्ट कर रहे हैं स्टेकिंग के लिए, अगर आप वो कॉइन्स अपने KuCoin प्लेटफॉर्म पे KuCoin के वॉलेट में होल्ड करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड्स मिलने लग जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो अभी फिलहाल लिस्ट है वो ये है, कॉस्मोस है, EOS, ट्रॉन, इंटरनेट ऑफ सर्विसेज IOST, नेबिलियो, डीप अनियन, एनर्जी और नल्स। तो फिलहाल दोस्तों इन्हीं कॉइन्स का सिर्फ यहाँ पे सपोर्ट है, बट फ्यूचर में और भी कॉइन्स ऐड होते रहेंगे। अब दोस्तों KuCoin की इस स्टेकिंग प्रोग्राम का फायदा ये है कि नॉर्मली अगर आप कोई भी कॉइन स्टेक करते हैं तो आपको लॉक करना पड़ता है, उसके बाद अगर आपको विड्रॉ करना है तो आपको 24 आवर्स, 3 दिन या 1 हफ्ते तक वेट करना पड़ता है जब तक आपके अकाउंट में कॉइन्स वापस नहीं आते। बट सॉफ्ट स्टेकिंग का दोस्तों फायदा ये है कि यहाँ पे अगर आप कॉइन्स होल्ड कर रहे हैं KuCoin के वॉलेट में तो ऑटोमेटिकली आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे और आपके फंड्स जो हैं वो लिक्विड रहेंगे, यानी कि आप उनके साथ कभी भी ट्रेड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो आपको वो जो लॉक इन पीरियड है कॉइन्स को स्टेक करने का उसकी चिंता करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों इसका जो नुकसान है वो ये है कि एक तो आपको कॉइन्स अपने एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे डालने हैं जिसका खतरा हमेशा से बना रहता है कि अगर एक्सचेंज हैक हो गई तो आपके कॉइन्स वहाँ से चले जाएंगे। तो आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए कॉइन्स होल्ड कर रहे हैं तो दोस्तों मैं ये प्रोग्राम रिकमेंड नहीं करूँगा। बेटर है कि आप अपने पर्सनल वॉलेट में उसको स्टेक करिए, बट अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहते हैं, कॉइन्स को स्टेक भी करना चाहते हैं, उनको ट्रेड भी करना चाहते हैं तो आप KuCoin का ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं।
और पर्सनल स्टेकिंग के मुकाबले एक नुकसान यहाँ पे ये है कि आपको उतने रिवॉर्ड्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे जो आपको पर्सनल स्टेकिंग से मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे दोस्तों ये डिवाइड होकर आएंगे बिटवीन नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स। तो दोस्तों इस प्रोग्राम का फायदा यह है कि आपको कोई भी टेक्निकल नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, आप आराम से यहाँ पे स्टेक कर सकते हैं सिर्फ कॉइन्स को होल्ड करके, आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड्स भी मिलते रहेंगे और आप उनको कॉइन्स को ट्रेड भी कर पाएंगे। अब दोस्तों अगर आपको KuCoin का फीचर यूज़ करना है तो उसके लिए आपके पास अकाउंट होना चाहिए KuCoin एक्सचेंज का, अगर वो नहीं है तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ पे क्लिक करके आप अकाउंट बना सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं आज की फाइनल न्यूज़ पे और ये है क्रिप्टोकरेंसी बैन से रिलेटेड। दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ ये आ रही है कि जो भी ये ड्राफ्ट बिल सबमिट हुआ है, जो गवर्नमेंट को सबमिट किया गया है ड्राफ्ट बिल, वो 100% रिकमेंडेशन है RBI की। RBI ने पुश करके इंडिया में क्रिप्टोकरेंसी को बैन करने की यहाँ पे बात करी है, हालांकि गवर्नमेंट जो पैनल रिक्रूट हुआ था उसकी राय इस पे डिफरेंट थी। तो न्यूज़ आर्टिकल के हिसाब से देर आर रिपोर्ट्स दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज बिहाइंड द कॉल टू कम्प्लीटली बैन बिटकॉइन एंड क्रिप्टोकरेंसीज इन इंडिया। This revelation comes amid the recommendation by the government instituted committee tasked with evaluating crypto regulations in the country, calling for a blanket prohibition on virtual currencies. तो दोस्तों पिछले कुछ वीडियोस पहले जिसमें ड्राफ्ट बिल को मैंने डिस्कस किया था जो लीक हुआ था, वही बिल अब दोस्तों ऑफिशियली सबमिट कर दिया गया है। और दोस्तों सबमिशन के बाद से जितने भी क्रिप्टो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो इंटरनेशनली लोकेटेड हो चाहे इंडिया में हो, तो सबका कहना दोस्तों यहाँ पे यही है कि द गवर्नमेंट वुड बी मेकिंग अ मैसिव मिस्टेक इफ इट फॉलोज थ्रू ऑन आउटलॉइंग क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया। तो यहाँ पे अगर क्रिप्टोकरेंसी को बैन कर दिया जाता है तो बहुत बड़ी गलती होगी इंडियन गवर्नमेंट की। अब RBI का इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ क्यों है? द टॉप हायरार्की ऑफ RBI सेज बिटकॉइन क्रिएट्स अ चेन ऑफ ब्लैक मनी। तो RBI के हिसाब से बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टोकरेंसी एक चेन ऑफ ब्लैक मनी क्रिएट कर देता है, यहाँ पे मनी को ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। बट दोस्तों अगर आप एक्सपर्ट्स की माने तो ये बिल्कुल ही ऑपोजिट है इसका। क्रिप्टो की मदद से आप आराम से ब्लैक मनी की चेन को ट्रैक कर सकते हैं, हालांकि फिएट आप बिल्कुल भी ट्रैक नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों आपको याद होगा कि ये सिलसिला तब से स्टार्ट हुआ जब से RBI ने कमर्शियल बैंक्स को क्रिप्टो के साथ कोई भी डीलिंग करने से मना कर दिया। तो जो सबसे पहला बैन आया था, सबसे पहला जो रूल आया था क्रिप्टो करेंसीज के अगेंस्ट, वो भी RBI की वजह से ही आया था और RBI ने ही उसको इम्प्लीमेंट किया था। और रिपोर्ट के हिसाब से दोस्तों गवर्नमेंट की जो रिकमेंडेशन थी वो बैन करने के लिए नहीं थी बल्कि उसको रेगुलेट करने के लिए थी। तो यहाँ पे कहा गया है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लाइक सुभाष चंद्र गर्ग बैनिंग बिटकॉइन एंड क्रिप्टोज इजंट द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। तो सुभाष चंद्र गर्ग का दोस्तों यहाँ पे ये कहना था दैट बिटकॉइन एंड क्रिप्टोज कॉन्स्टिट्यूटेड एन इकोनॉमिक फिनोमिनन, जस्ट रादर देन इंस्टीट्यूटिंग अ बिटकॉइन बैन द गवर्नमेंट ऑट टू फाइंड अ वे टू रेगुलेट द इंडस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। तो इंटरनली अगर गवर्नमेंट रिकमेंडेशन की बात करें तो उनका प्लान पूरा था इसको रेगुलेट करने का, बट RBI की पुश की वजह से यहाँ पे बैन का बिल ड्राफ्ट किया गया। बट अभी भी दोस्तों मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि बिटकॉइन अभी तक इंडिया में बैन नहीं हुआ है। यहाँ पे जो बिल सबमिट किया गया है ये ड्राफ्ट बिल है, इस पर अभी डिस्कशंस होनी है, इसमें जो भी रिकमेंडेशंस करी गई हैं उसको डिस्कस करके इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाना है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर बैन कर भी देते हैं तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। तो उन सब चीज़ों के ऊपर जब तक डिस्कशन नहीं होगी दोस्तों तब तक इसको फॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता। और जैसा कि मैंने आपको हमेशा कहा है कि अगर बिटकॉइन को अगर आपको बंद करना है तो इंटरनेट ही बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इंटरनेट बंद किए आप बिटकॉइन को बंद नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट इसको कैसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगी दोस्तों ये तो तभी पता लगेगा जब इस पर डिस्कशन स्टार्ट होंगी, इस पर रिकमेंडेशन आनी शुरू होंगी। बट मेरे हिसाब से दोस्तों उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली इसको बंद नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों आपकी क्या राय है इसके बारे में नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। तो दोस्तों ये था आज का क्रिप्टो न्यूज़ वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।